Hello, children. Welcome to your English class. Today, we will do your chapter number 5 circle. We will do reading, and I will explain you this chapter in Hindi as well as we will do some book exercises in this video. And all the book exercises you have to do it in your book. So, let's do reading. So, children, let's do reading first, and I will explain you this story in Hindi also.

बनाया कैन यू ड्रॉ अ सर्कल मोहिनी मोहिनी क्या तुम सर्कल बना सकती हो यस आई कैन हाँ, मैं बना सकती हूं सून मोहिनी ड्रू अ सर्कल तो फिर थोड़ी देर में मोहिनी ने एक सर्कल बनाया नाव आई विल ड्रॉ अ बॉल अब मैं एक बॉल बनाऊंगी ग्रैंड मदर ने बोला ग्रैंड मदर ड्रू थ्री लाइन्स ऑन द सर्कल तो ग्रैंड मदर ने बॉल बनाने के लिए क्या करा सर्कल में तीन लाइन्स बनाई मोहिनी ड्रू थ्री लाइन्स ऑन हर सर्कल मोहिनी ने अपने जो सर्कल बनाया था पेपर पे उस पर तीन लाइन ड्रॉ कर दी इट रियली लुक्ड लाइक अ बॉल नाउ लेट्स ड्रॉ अ बलून तो मोहिनी ने बोला अरे ये तो सच में एक बॉल की तरह लग रही है चलिए अब हम क्या बनाते हैं एक बलून बनाते हैं ग्रैंड मदर एडेड अ जैग लाइन टू द सर्कल तो ग्रैंड मदर ने ऐसे जिग जैग लाइन बना के उस सर्कल को बलून बना दिया इट रियली लुक्स लाइक अ बलून मोहिनी क्लैप्ड विद जॉय मोहिनी ने खुशी से वो क्या करा ताली बजाई अरे वाह ये तो बिल्कुल आ, बलून की तरह ही लग रहा है मोहिनी बहुत खुश हो गई मोहिनी ड्रू मैनी सर्कल्स बिग एंड स्मॉल सर्कल्स रेड ब्ल्यू ग्रीन एंड येल्लो सर्कल्स मोहिनी ने खूब जल्दी जल्दी कई सारे सर्कल्स बनाए उसने रेड बनाए बड़े बनाए बिग बनाए स्मॉल मतलब बड़े बनाए छोटे सर्कल बनाए रेड कलर करा उसने ब्लू ग्रीन करा येलो करा शी ऑल्सो एडेड लाइन टू दीज और उसने इस सर्कल में सब में जिगैक बनाकर उनको एक बलून का मैनी बेलून्स अब उसके पास कई सारे बेलून्स हो गए कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विदर्कल आस ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर ने पूछा क्या तुम और भी कुछ बना सकती हो सर्किल से यस सेड मोहिनी शी ड्रू अ व्हील अ मून अ सन अ रैबिट एंड हर ओन फेस तो मोहिनी ने सर्कल से क्या क्या बनाया मोहिनी ने सर्कल से एक व्हील मतलब पहिया बनाया एक मून मून मीन्स चंद्रमा बनाया सन मींस सूरज बनाया एक रैबिट बनाया और उसने अपना फेस भी बनाया तो ये कहानी दादी की और एक पोती की है या नानी की और उसकी पोती की है जो बताती है कि आपस में हम बड़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं ठीक है बच्चों चलिए नाउ लेट्स रीड न्यू वर्ड्स बी ए एल एल बॉल बी एल यू ई ब्लू सी आई आर सी एल ई सर्कल लाइनेस, लाइंस। लेट्स रीड। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। I can draw a circle. The moon is round. मैं एक सर्कल बना सकता हूँ, ये बना सकती हूँ। और जो मून है, वो गोल होता है। Turn your page, children. Now reading is fun. So this exercise uh, we will do in the next video.

नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स ड्रॉ इन द सर्कस बिलो ड्रॉ वट ग्रैंड मदर ड्रट मोहिनी ड्रू यहां पे आपको बनाना है बच्चों ग्रैंड मदर ने क्या ड्रू करा था इसमें थ्री लाइन्स ड्रॉ करी थी तो आप भी यहां थ्री लाइन्स ड्रॉ कर दीजिए मोहिनी ने क्या बनाया था मोहिनी ने भी थ्री लाइन्स ड्रा करी थी फिर थ्री लाइन्स मोहिनी ने भी ड्रॉ कर दी। वैसे आप बना दीजिए नाउ लुक एट दीस शेप अब आप ये शेप्स देखिए आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी ये शेप्स This is called triangle, square, and rectangle. Try making these shapes into a car, a house, a door, anything else. So, do this exercise in your book on page number 58. You can try to draw like this house. So, you can draw a car, a house, a door, anything else you can draw and draw it here in the book. Do not draw in your notebook, do it here on page number 58.

तो निकाल के देखिएगा घर पे अपने और ये भी आपको बुक में बनाना है और इसको अच्छे से कलर भी करना है आपने ठीक है चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज ड्रॉ अ फेस ऑन द बलून बिलो वन हैज बिन डन फॉर यू आपको यही फेस इसमें बनाना है तो ये भी आप बुक में करेंगे सो पेज नंबर फिफ्टी एट एंड फिफ्टी नाइन बोथ पेजेस यू विल डू इट इन योर बुक चिल्ड्रन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो ट्रेसिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर ये भी आपको इसी में बुक में ट्रेस करना है ओके चिल्ड्रेन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यूल दीज एक्सरसाइजेज ऑल्सो यूल इट ऑन अ पेज नंबर सिक्सटी इन योर बुक नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज एम ए एन जी ओ मैंगो एन यू टी नट ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज पी ई ए सी एच पीज Now, trace these words here. This also you have to do it in your book. Don't do it in one day. Okay? Half you can do it today, half you can do it tomorrow, and half after that. Okay, children? You have three days' English lesson, so you can do these exercises in three days. So, no need to do it one day. Now, look at the picture and fill in the blanks. Now you have to fill it yourself. D O G, dog. B U L L, bull. E L E P H A N T, elephant. O W L, owl. H O R S E, horse. C A T, cat. This exercise also you have to do it in your book. So, children, do page number 58, 59, 60, and 61 in your book. Okay, children. So, hope you understood the chapter and question answers. Uh, these two question answers, uh, I will make another video for this. Okay, children. So, try to do all these exercises in your book. Don't do it in one day, you can do it in three days. Okay children, so till then, goodbye, see you.